दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हाफिज़ी मुहम्मद व अमामी व अली व खल्फी वल फातिमा तो फौक रासी वल हसन यमीनी वल हुसैन यसारी हौलाए हिसारी हिसारो अहली व माली व जिरानी व जिदारी व बिरहमतिका ज़ियाउ सलवात हो बुलंद नवाज देना। मजलिस दी कबूलियत वास्ते बुलंद सलवात पढ़ो। इमाम जमाना बादशाह दे ज़हूर वास्ते बुलंद सलवात पढ़ो। नारे तकबीर ला अकबर, नारे रिसालत या रसूल, नारे हैदरी या आबाद रहो सलामत रहो। मालिक बानियां दी मेहनत कबूल फरमावे, सब नेक मुरादा पूरी होवे, तुसा आजादारा दा टुराया सही कबूल फरमावे, सारे जाकरां दा पढ़िया महकीर समेत सही कबूल फरमावे। पाकिस्तान सलामत रहे, मुसलमानों नु मालिक हिदायत नसीब फरमा। इन्हन अला यार शाह यार साहब बीमार हैं, मालिक शिफाए कामला अता फरमा। बाबा रियाज हुसैन शाह रतवाल अल बीमार हैं, मालिक शिफाए कामला अता फरमा। अला यार साहब जी कोटेड़ा है आजी खिदर यार मजलिस पड़ा सा इमाम हुसैन दी अल्लाह पाक सावाले मुसलमान पाक रसूल का कलमा पढ़ते सानू इंज होना चाहिए जो बंदे रीस कर दे इंज होने पाक मुहम्मद दे मन्नण वाले बिस्मिल्लाह। अफसोस के दुनिया रोल गई, अजन तई बंदियां नु सीधा राह नहीं पिया लभदा। वत वत अल्लाह नु आदन सीधा राह विखा, सीधा राह विखा, सीधा राह तो विखाया जी ओदे महबूब नु कागज कलम मिल गया होंदा था। अगर ओ मिल गया होंदा तो रोला ही कोई नहीं होना, रोला आप पाया बंदियां। तो मैं तो दुआई कर सकता मालिक इन्हां नूं सीधा राह विखा अपने महबूब दा सदका। असा सारे मुसलमान रल के हिको के जीविए ते जमाने नूं दसीए जो इन होदन पाक मुहम्मद दे आशिक। बेमिसल बेमिसाल अल्लाह जड़ा नजर नहीं आंदा, खांदा पींदा कुछ नहीं, हर जगह ते मौजूद है। उसने एक कायनात बनाई है 5, 12, 14 वास्ते। कुल्लो ना मुहम्मद, क्योंकि सारा साड़ा नबी उदी मर्जी तो बगैर बोलता नहीं, अल्लाह की मर्जी होंदी है ते ये बोलते। 40 साल तो बाद अल्लाह की मर्जी नाल बोलता है, अगे कहीं दी मर्जी नाल बोलता रहा। दुश्मनी कर रहे हैं बंदे, दुश्मनी कर रहे हैं। जेड़े आते ना 40 साल तो बाद नबी बनया, दुश्मनी कर रहे हैं। ये तो बंदे आख रहे हैं मेरे नबी ने फरमाया कौन तो नबी है। वह आदम बैन अल माए वती, अज आदम दी मिट्टी मिट्टी है, चाहे पानी पानी है, चाहे मैं नबी था। असा जनाब या अली, असा इस बात शाह मने दुश्मनी है। कदी आदन भूल भूल वेंदे ओ जेड़ा बोलदा ही अल्लाह दी मर्जी नाले ओस क्यों भूलणे। ए झूठे जो नबी भूल वेंदे, बिल्कुल झूठे, नहीं कोई ऑपरेशन होए ए भी झूठे। ओ जेड़े नबी दे पसीने दे कतरे च बने ओ पिंगे च बोलदे मैं नबी हां, मैं पढ़िया लिखिया साहिब किताब आ, साहिब शरीयत आ, साहिब कलमा। जेड़े नबी दे पसीने साडे नबी दे पसीने दे कतरे च हिस्सा जे नबी बने उन्हां दा ना ऑपरेशन है।
ना उन्होंने कोई अनपढ़ सदे दे तू अपने नबी नु अनपढ़ नहीं हो ओए एक पढ़ावन वाले पढ़ण वाले नहीं ये सब कुछ नहीं है इन्हां तो पहले तो शायद है ही काइन जो कुछ है ये 14 अल्लाह नहीं बाकी सब कुछ है अल्लाह की पहचान 14 कराइए इन्ना दसे अल्लाह है नजर नहीं आता लेकिन इन्ना तो दिखे अल्लाह अपना महबूब ऐसी जेदी वास्ते कायनात बनाई अगर आका मुहम्मद मुस्तफा बशरी लिबास न पहने कई बंदे दी जरूरत है जो नूर वेख लवे नहीं वेख सकते इतना साडे भी खावण वास्ते उन्हों तो बशरी लिबास पाए जो गरीब वेख ले तो मेरा भाई थोड़ा जिहा अपने ज़हन ते जोर दियो सीरा सुनी सारे रल के जन्नत सारे चाहते जहन्नम कोई भी नहीं बनना चाहता हर कोई धोखे थे थोड़ा जिहा ज़हन ते जोर दियो ये जरा अल्लाह की मर्जी नाल बोल रहे वो प्यादे हसन हुसैन दीवाना ने जन्नत दे सरदार है उन्ना दा बाबा अली उन्ना दा ही सरदार है तू पहले लाके अली मौला तू बधाई मैंने हदीस पर पाक रसूल दी पाक रसूल ने फरमाए अगर सारी दुनिया मेरे भेरा अली नु मनवाई दी अल्लाह जहन्नम नु बनावले ही कोई नहीं ये जड़े बंदे नु पता लग गई कि बिस्मिल्लाह दी बे दा नुक्ता अली है ओ जखन ना नमाज पढ़नी है ना कुरान पढ़नी है ओ केड़े पासे वैसी ओनु मान के बंदे जो जन्नत दा शौक के खलोते ने मैं जरा बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ता जो बिस्मिल्लाह दी वेद नुक्ता अली या अली ओ भाई एक को वंजो न लड़ो न झगड़ो पाक रसूल दे आशिक बन वंजो जे उस हदीस नु पढ़ करो जेड़ी कुरान दे नाल मुताबकत ना करे कुरान दी जेड़ी मुखालफत करे उस तो बचो बढ़िया बढ़िया बनिया घरिया हदीसा ते रुले पे पाक रसूल फरमाए मैं इल्म दा शहर दरवाजा अली है हदीस इत खत्म है बनिया खिड़की ते परनाली बना ले या मुनिया दा ते छक्का रोशनदान ते परनाले पर सुन्नी मौली का दिन हदीस इठाई मुक गई है अना मदीना तो इल्म व अली अल बाबा बस और जिहालत का दौर किया नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर दरवाजा अली तो एक मौलवी लड़दा बैठा तो जो पैदा बुनियादा फलाए फलाना बुनियाद है रसूल नु किने कहते हैं ओद कण तक आशे तो छोड़ी नहीं तो मेरा भाई जड़े बंदे मौला अली दी दुश्मनी दी वजह तो ना नमाज दे बिस्मिल्लाह पढ़ते ते ना कुरान दे सारे खत्म है पढ़ते उना दा बन सी के एही मैनु सुन्नी मौलवी दसे जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते ना जमात दे ना कुरान पढ़ते किदा बिस्मिल्लाह का ये दी दुश्मनी मौला अली दा आका मुहम्मद मुस्तफा मेराज तो है ना वापस सरकार दसे जन्नत दे सारे दरवाजे ते मैं लिखया पड़े है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीउल्लाह अलीयुम वलीउल्लाह ते कसीदा कलमा जन्नत दे हर दरवाजे ते लिख रहे उठे लिख रहे ते इथे नु पढ़दा केड़ी जन्नत च वंडो
ओ भाई मैं पता है कोई जहन्नम नहीं बनना चाहता, भावे कोई बम बन के फटाका पे मरे रहे, मैं जन्नत जवान पहुंच सकता। एक बंदे ने बम फटाया ना, इन्हें बेहोश हो गया, अस्पताल होश आई, सजे कपे वेद के प्या के मौलवी जरा आके हो रहा है नहीं, उसने थोड़ी है नहीं नहीं का में जिस पैदा हुआ कोई आदमी मस्जिद के किनारे पे पैदा हुआ, आ जाओ सर खाने के पैदा हुआ है, मौलवी ने मैं कहा काबिल है दबाव क्यों भी नहीं, ये पैदा ना होने अली का भी अंदर अली का भी नहीं बीच पैदा हुआ है मुल्ला लोग का दिन हर वे अली अली करते हो मैं कहा असी हर वे अली अली करता हर गली दी चली पाक रसूल ने फरमाया मेरे बिना अली का चेहरा देख रहा इबादत और इबादत कहीं नहीं होती, चेहरा मौला अली का देख रहा इबादत अल्लाह दी हो रही है, इबादत अल्लाह दी है, पता नहीं इस चेहरे क्या रहा है। पाक रसूल ने फरमाया जिक्र मेरे बिना अली का इबादत, प्यार मेरे भैया अली का दिल च बसावना इबादत, हक अली ना अली हक ना, कुरान अली ना अली कुरान ना, ऐसा कोई आपे मौला अली नु मन्नी करो ते अल्लाह मनवाया ते पाक मोहम्मद इन बाद बुलंद करके दिखाए अगे ते चलो ऐसा कल्ले अगदीर पर दिया से ऐसा हुन कल्ले नहीं सुन्नी मौलवी साडे नाल किदो ताहिर अल कादरी किदो मिल्ला मोहम्मद अली गदीर पर दे किदो यासीन कादरी पर दे किदा तारिक जमील पर दे ते आजकल तो बड़े बड़े मौलवी आ गए, एक मौलवी शाह नवाज आए मुसाला दा ओ कमाल कर दे ए उस वंद से जो साडे शहर च मौलवी आया मैं रमजान इतराबिया पढ़ावे मैंने आके शहर वाले जेड़े देश दी देसनी ते बिस्मिल्लाह हके 20,000 तेरे नाल महीने से ते जिथे जिथे कुरान बिस्मिल्लाह शरीफ है ना हर सूरत दे ओ पढ़ी ओ रात ही नस गया ओ जाकर बिस्मिल्लाह के बगैर भावे दो खत्म पढ़ा ला बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी यार कई हाथ धो दियो कोई जेब ते जोर दियो इन्हें मौलवियां कबर च कोई दुआ नहीं ना जन्नत छुड़ावे ना उन्हें जहन्नम में जन्नत पाक रसूल फरमाया या अली अंता कसीम नार वल जन्नत जन्नत और जहन्नम नु तकसीम करने वाला मौला अली है कह और सहाबी दे बारे में लिखा जो पाक रसूल उन वाकवे मैं तू बने से हर कह इदू लेनी है भावे कोई निक्का ही ते भावे कोई बड़े पाक रसूल फरमा देते अली बने से उस वंडी क्योंकि ये अल्लाह दी बरकत बगैर बोलदा ही नहीं। अच्छा देखो ना गदीर के मकाम ते मन को तो मौला हो फहाजा अली जन मौला पाक रसूल क्या जिस जिस का मैं मौला हूं तो मौला दा तर्जमा ही हो गया, मौला दा माना बेली ते दोस्त नहीं, मौला दा माना सरदार है आका है तारक जमील की तर्जमा मैं ये बेली दोस्त वाला तर्जमा छोड़ो अल्लाह बेली नबी बेली ओ ई माल करे ने होगी हाँ कोई तर्जमा सही करो जेन ते जोर दियो इंडिया लकीर ते फकीर हो गए जेडी कहीं गल की थी अपने शोर में जगाओ बंदा बड़ा कुछ वेख सकता है थोड़ा जा जेन ते जोर दे अल्लाह तन इंसान बनाया सोच दी थी हक तरह एक पाक रसूल जो आके अगर कोई ऐसा दौर आवे सुन लो औलाद आदम एक पास हुए कल्ला मेरा भैया अली एक पास हुए तेन समझ ना आती पी हो हक केड़े पास फरमाया मेरे भैया अली नाल लंग वने ओ तेन गुमराह ना हो वने मौला अली नु छोड़ के जेड़े पास वैसे गुमराह ही गई ਸਦਾ ਹਰ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਹਰ ਦੀ ਖੈਰ ਚੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਆਈ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮਦੋ ਤੇ ਵਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਬਣੇ ਠੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਨੂਹ ਜਿੰਨੀ 2500 ਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਨਾ 2500 ਸਾਲ ਬੰਦਾ 950 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ਾ ਕੁੰਜ ਕੇ ਪੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਰੱਖੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1000 ਹਜ ਪੈਦਲ ਚ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਡਿੱਠੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਵੱਡਾ
ਉਹਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੁਟਾ ਛੋੜੇ ਸਫਤ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਜੁਰਮ ਕਤਲ ਹੋ ਵੰਨੇ ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਬਰ ਬਣ ਵੰਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਗਿਲਾ ਮਸਕਰੇ ਦਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਂ ਸਕਦਾ बंदे वैसे कहने पास तो मेरा भाई हाँ तो मैं जाकर मौलवी तो मैं कोई ना लेकिन मेरी गल रद्द कर रखा है मैं करता ही हाँ ना अपना रद्द कर सके ना पराया जमाना बड़ा मुश्किल है औखा जहा जमाना है मेरा काम में हक बोल छोड़ना जी हाँ मैं कई बंदे नु यो गलत पर से गलत आख सकदा उठाई तो जे मेरा रूप देख चुके हो तो सुन चुके हो सो गलत नु गलत आख देना उठाई उठाई भावे कोई हो ते होर मैं तो सुनाई कसीदा सच्चा जाकरिया ना सा अच्छा साडा पीर अली काबे दे विच है सौदा एक वेरी नाम अली चाया वन्ने 16,000 खत्म कुरान का सवाब मिल दे या अली और पता नहीं मैं एक क्यों आके मासूम दी हदीस मैं वो पढ़ी मैं पहले पहले भाई जी मैं भी याद आप एक नारे ना एक खत्म कुरान सवाब सारे ही नहीं याद है मैं भी उन्हें यार लकीर द फकीर मेरे एक दोस्त है सुन्नी मौलवी आसिफ रजा गिलानी हुजरे शाह हुकीम वाला वो मेरे गले बड़ी मजल से पड़ गई मेरा बड़ा दोस्त बन गया वो कह शाह जी पहले बंदे तो साढ़े थे जेड़े सवाब घटाई वाली मैं के पता नहीं क्यों गल करे तो मैं सुन कर ला मैं जान गया ओए हौसला तो कर ना इसे पहले गल कर वे पहले नहीं हर गल तू समझो बाद जवाब दे बाद बाद पहले नहीं वो बहुत बड़ा इल्म वाला बंदा है बहुत बड़ा समंदर है और मैनू वेख लिया ना तो वो आदे ये आखे तो मैं हाथ होने छुड़े ना काशा तो मेरे जो डिटी है मैं कहने अजय तू बदी रहा ते इधर आडर आवे तो तू छोड़े नहीं मैं कह दिगा चली लोड़ी काई इधे सौदा खरा खरा होन तो सारी गल्ला मिर्जा मोहम्मद अली दस दी जो नबी ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी नारे सवाब को घटाई वही मैं हदीस हूं आप पढ़ी तो सुनी पहले सुनी मत पढ़ी मौला अली अलैहि सलाम दे एक नारे नाल जेड़ा बंदा दिल आखे या अली 16,000 खत्म कुरान का सवाब मिलता है सादिक मौला फरमाते हैं 16,000 भी हो जेड़ा मैं सादिक खुद कीता होए वाह वाह इस्म-ए-आज़म है अली ऐ मुनकरे नुसरत सुन ले सखी सत्तार का दीवाना बता देता है अली के जिक्र से हल होती है मुश्किलें मगर या अली कहने की तौफीक खुदा खुदा जिन्हें अली
अपनी लत जहन्नम विच रखनी हो कहीं होर तो साडा खुदा नहीं जिहड़ा इत्थे जन्मी हो मेरा भाई उन लोड़ तक का ही नहीं पर मक्के अपने काने कोठा बनवाया कमरा बनवाया केरी जरूरत बन गई क्यों पवाया आओ मैं तन सावा घर दिखाया हे जली और बनाया हे नबी परवसाया हे अली घर दसाया हे जले और बनाया हे नबी पर वसाया हे अली घर दसाया सबूत सुनो पर वसाया हे नबी पर वसाया कुरान सोने लग जाए कुरान सोने लग जाए काबा बड़ा बुलंद मकाम अल्लाह दा अल्लाह अपना घर रखे ओदे विच जिहड़े बंदे बोता रखे ने चंगा कीता ने ए मुट्ठ कब्जा दी रुख ते मैं मदीने देख आया मक्के देख आया कब्जा ग्रुप में आंदे दसे बाकी सारे वो चंगे लगे मैनू चंगे नहीं लगते जिन्हें मैं रोजा रसूल नु हाथ नहीं लावा दिता मैं चंगे लगते नहीं मैं उन्होंने चंगा आख रही नहीं सुनी भिरा नाथ पढ़ता ही हट्टी रोजे दी पैरे दारा रोजे दी जल चौम लै दे उत्थे वज पता लगा कि यो जिया भैड़ पैरे दार कब्जा दी रुप में पता लगा कि रहीम यार खान मंगा के उठे खिला रहे पैसे कि मुल्क चलन दो तो मेरा भाई मैं अर्ज कर रहा अच्छा एक काबे दे विच मौला अली है ना अल्लाह गवाह है सब तो ज्यादा खुश अल्लाह है दूजे नंबर पे काबा
ਵਾ ਕਾਬਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਤਾਈ ਦੀਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਦੀ ਪਈ ਸਕੇ 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 ਦੀਵਾਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਗਵਾਹੀ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲੀ ਸ਼ੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮਾ ਲਾ ਮੌਜਾ ਇਹ ਹਿਕ ਮੌਜਾ ਤਹਿਰੀਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਸਵੀਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਜੇ ਹੁਣ ਜਹਾਨ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਾਬਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਚੁੱਟ ਮੌਲਾ ਦੇ ਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਪਰ ਵਾਲੇ ਬੋਤਾ ਨੂੰ ਡਾਇ ਪੈ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਰ ਪੈ ਕੋਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੀਡੂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵੱਡੇ ਬੋਤ ਲਾਤ ਮਨਾਤ ਤੇ ਉਜ਼ਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਾਬੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਸਰਬ ਤਾ ਦੇ ਹੋਏ ਖਮ ਆ ਜੋ ਹੈ ਦਰ ਹੈ ਦੇ ਕਰਮ ਬੜਿਆ ਪੁੱਤ ਖਾਨਾ ਹਰਮ बीमार होए अकीदा तो विखी गया इन्हां दी औकात नजर आ गई इस इमाम हुसैन अलैहि सलाम दी मजलिस भावे असा आए इत्थे घर कराई बैठे इत्थे करोना नहीं आ सकदा जरूरत क्या है इत्थे तो बीमार बंदा आवे लंबे लंबे साल है बीमारी खत्म हो गई दुआ ना करोना लग गई सी ईमान कमजोर हो गए बंदे दे अच्छा काबे कोल बड़ा राशि जनाबे अबू तालिब दी जौजा अली शहंशाह दी पाक अम्मा जनाबे फातिमा बिनत असद जो तवाफ कर रहे हैं रुकने यमानी वाले पास बीबी ने इन सज्जा हाथ रखा कई गल की जड़ी करनी है अल्लाह नु पता ते बीबी नु पता मैं तो ये दसा जो केड़ी गल है ये कोई उन्हां दा अपना राज है अगर अल्लाह ना सड़ेंदा ते बीबी आवणा क्यों आई ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਉਹ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੇਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੀਵਾਰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਦੀਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਬੰਦੇ ਤਵਾਫ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਤਾਂ ਮਰਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਆਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜੌਜਾ ਹੈ अच्छा अच्छा और बंदे हैरान है मैं अंदर न पानी न खाना पर उदार नु ताला चाबी मंगायो ताला न खुले चाबी ना ताए दिहाड़े इदु दीवार बंद हैरान ते मक्के दी औरत तो हुन मरण वाली है ते बीबी भुखता तो अंदर मर गई उसे कि बनया के लेकिन त्रिय दाड़े पाक रसूल है चाची अम्मा नु नाल रला के फिरा नु हां ना लाके जदों घर पहुंचे ते मक्के दी बीबी फरमाया मैं कोई आपे गई अल्लाह दा घर सजे गई अच्छा सजे उठे होया के ना पानी आई ना खाना आई बीबी फरमाने वाह वाह बिस्मिल्लाह बीबी पर फरमाए देन वडिया इरता
ਬੋਲ ਬਤੋਲਾਇਆ ਓ ਮੇਰੇ ਕੇਤੇ ਦਸਤੇ ਖਾਨ ਲਾਏ ਕੋਲਿਆਰੇ ਤੇ ਕੇਤੇ ਮਤ ਗਾਲਾ ਜਿੰਦੇ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦੇ ਅਲੀ पुराने संगती हो मेरे ते मालिक तुहानू सलामत रखे हर वास्ते दुआ है मौला अली तो बगैर निबड़ी कायदे कुरान दी कसम के इमाम हुसैन बादशाह आप मोहर लाइए तो ताजा कर गल तुम दसी वही ना मान लो तो बिस्मिल्लाह नहीं तो ठटके दा पाती सौदा खरा भाई दिल आख दीन जबरी कोई नहीं मैं जरा कुछ दसना इधर छोड़े जे दिल काबा होया तैयार है ओ कसम रब दी अली सरकार है ओ कसम रब दी अली सरकार अगे मैं तो दस गया जो बंदे बिस्मिल्लाह छोड़ी वे अच्छा पता नहीं घर बर्दाश्त करें दे उसे तो कदी कदी मामा आप मैं दियो उसे मेरे पास रोटी बिस्मिल्लाह तो शुरू की थी अच्छा मक्के शरीफ गए अच्छा मक्के चुमन दे दे टुटन दे हो सिन तो टुट सिन ना बाबा जी मैं तो कुकू इति जान मार गई जारी चुम गई अच्छा हां चंगा कीता सन ओ सोटा ने सुमारा चाट जली है ना मैं इधर तो सोटे वाला आया लेकिन जाली मैं राज के चुमी जो मैं दिखा पिछले पासे मैं खैबर पर नहीं था चाक देना पुराना बुजुर्ग मेरा दोस्त है मेरा बड़ा पुराना दोस्त है बड़ी मुद्दत मैं लगती सी ना बंदे अच्छा मक्के गया से ना वो उठे बंदे उन छोड़े हुए थे मैं देखना मैं जरा भोला भाला लपे ना उन इतना ना पाऊं हर बंदे नहीं मिलते कोई पता ही अली कितने जमे बंदा हैरान हो गया वो उन आतन मंदा सा वो तो ने जवाब कह दिया अली जमे मेरे नाल वाले बंदे लगा के मैं के परम मारो ऐसा जान रहे जितने मौला आया चावल कमरा भी खेल देते कमरा जी वो थैली जमे वो मरे मालिक शिफा कमला ता फरमाए एक मौलवी सरकार इमरान ने बारे लफ्ज आखे ना तो तोड़ भाई निकले उसके तो बड़ा काम का बंदा है ते तेरी मैं गल सुनी तो मैं आ गया इतने गप्पा मारसा है दोवे दोस्त लेकिन मेरे इस तो थोड़ा जा पहले काम में इतने चकवाल एक छोटा जा काफिर आया है ते वो खाना पकाई बैठो आता पहले खाना खाओ
ਤੇ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਸਾ ਤੂਤ ਮੈਂ ਦੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਬਿਰਾਰਾ ਨੇ ਉਸਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਲਗ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜੇ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਖਸਾ ਇਹ ਕਾਫਰਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਤਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਓਏ शहर वाले मौलवी नु चेक छोड़या उन्ना के जे गल दा जवाब दे या बंदे दे बच्चा बन जा तो मेरा भाई मैं ओ जेड़े बंदे उठे आ दे ना मक्के आ तेनु अली दे जम्मण वाली जा विखाइए आ इदे आ इदे आ ओदे कमरा है ओ कमरा है ओ जे बंदे नु मैं आखे शुक्र करो जो बीबी आ गई है जे नबा है धरती का बे लबदी अली सरकार है ओ कसम लबदी अली सरकार है बिस्मिल्लाह अली गल चूंकि मैनू खाधी वधी है 1500 दे बाद मुकम्मल यकीन पता लगे शुक्र किया करो जो सा तो मेरा भाई जिंदी इब्तदा ठीक नहीं इंतहा कदा ठीक हो सी जे बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़नी कुरान पढ़े ते भावे पर घर मरे तो मेरा भाई मौला अली अलैहि सलाम ने तो काबे दे विच तशरीफ घिन्ना 13 रजब नु अजे ते कुरान दा ज़हूर नज़ूल नहीं होया अल्लाह ते महफूज आई लेकिन वाह या अली अजे कुरान आए नहीं पाक रसूल दे हत्था ते सारा पढ़ के सुनाई छोड़े वाह या अली लहते महफूज आई मौला आयन तो होया क्या है भाई लहते कुरान रब जा गिल गया नुकता बिस्मिल्लाह नु अपना मिल गया मोहम्मद मुस्तफा जदों काबे च गए ना त्रै दिन तो बाद दर भी खुल गए ते ताला ही खुल गया राज ही अल्लाह दा मैनू केड़ा पता है क्यों राज पहले ते चाबी नाल ही ताला नहीं खुला ते काबा तढ़ा ना चलदे ते दीवार बंद हो गई है पाक रसूल गए ते दरवाजे ही खुल दे गए दीवारा ही खुल गई है अंदर दाखिल होए अम्मी सदें दे मौला अली अलैहि सलाम दी पाक मन अम्मी सदें दे आका मोहम्मद मुस्तफा ते फरमाया आ गया मेरा भेरा फरमाया आया कहे रुन्ना ही कोई नू अखी भी नोटी पे ते खीर भी नहीं सुपीता एन पाक रसूल चाया या अली अम्मा नू परेशान की ते अखी नू खोलिया फरमाया तुहाडे इंतजार इतने ही खोलिया जनाब ए खुल गई है खुल गई है खुल गई है रुन्ना नू साईं तुसा तां जान दो मैं अली हां मैं बच्चा नहीं बाल रोंदे खीर नू पीता फरमाया गवाह तुहाडी रिसालत दा खर्चे घरों करा अच्छा ये तो गल है अंदर दिया बाहर आए ना तो बंदे कुछ वेरे जान दो वेरा ना उन आके इन चाहे इधर पियो अबू ताले चाचे चाहे दूसरे रिश्तेदार चाहे साईं तू सब कुछ चाहिए दियो पर मैं आओ मंगे ही अल्लाह को लो मैं आई ना सिर्फ मददगार मैं मंगे ही
मंगई ओनू आख्या अपने कोल दे ते उस अपने घरों काबे दे विचू में दिता मेरी वास्ते है। अच्छा जी बड़े खुश हो हाथ क्यों सजा चुम दियो मुड़ मुड़ हाथ चुम दियो इस बाल मासूम निके जे बच्चे दा हाथ क्यों चुम दियो फरमाया तेरी गल मैं जानना तुझे पता कोई नहीं 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 क्यों चुम दियो सरकार फरमाए दिन अर्श को हक मेरा बजाया मेरे मैं ते हाथ नो गदीर ते जाम ले सूरत पढ़िया रात मैं सुन्नी मौलवी सुनाई घर अखीर दिती है पढ़िया है खंडा काली जरी है ना ये सूरत पढ़िया है ये लिखिया पिया है क्यों जे मुसलमान है नबी नाल मौला अली तो बगैर बाकी जितने हैं ना उन्होंने नबुवत ते शक हो गया ही तौहीद ते शक हो गया ही सुन्नी मौलवी पिया तो पैदा शुक्र है जो अली है जे रड़ियां कर दती है नहीं तो ये पिछले पासे सारे वेंदे अनुदाई अज दुआया ये तो मरेंदे ने कदी खोज जे सारे मुसलमान इन्हों का दीन इस्लाम मुका देना खत्म कर देनी हूं चाह वज पीछा हमने बकरे बुन के ले ले खाने पूरा जिया घबराटा जिया जवान ने अपना पहलवान वे हजार बंदे तो घट लड़ता ही नहीं मैं मिनट तरले नाल जेडे लाल अगन दे के आंदे ए चलो हित दे नाल हित मुकाबले च गया तां वदे ओदा के इस कोई नु बचणा ओदा के बंदा बण अपने पहलवान दा कद वेख गुरु मोहम्मद दे पहलवान दा कद वेख ओदा के एक गल मेरी सुन ले ओदा इस ते पिंगे सुतो है जेदा अब्बे ओरा नु चाट मारी आ सुभान अल्लाह सारी जिंदगी उन्हां दी लैन मिंट सिद्धी नहीं आई सद ला लड़ाई पई ए वाला दादा ही ए जड़ा अली ए वाला दादा ही भूलो नहीं अज तक जवान उस पिंगे चाई अच्छा होया क्या ए अबू जहल नु पाक रसूल बड़ा मना किया मैं तू बाला ते भूलो ए बाल नहीं ए अल्लाह दा शेर सुता पे दुश्मन झुकता पी मौला ने क्या किया किसी मजमून की फरमाइश ये तो बाबा जी थोड़े जे दिन पूरे हो गए खैबर दे फिर उस्ताद फरमाइश
मैं एक बारी एक बंदे आख्या बाबा जी फौ काला कसीदा सुना है, मैं आख्या उन्हां दी औलाद है या काई नहीं, मैं जानदा मेरे बेली इन दोस्त है, उन्हां आख्या हे, मैं आख्या मैनू केड़ी सख्ती चाहे जो उन्हां दी औलाद दे होंदिया उन्हां दी ज्यादा मैं ताज़िया करा, वो आप पर से तो सारे मौलवी बन गए, फौक साहब दे बेटे सारे मौलवी बन गए, मालिक ने जिंदगी दराज फरमावे, इन्हें जाकर इन्हें नहीं बन दे मौलवी पढ़ के बनवाई दे, मैं कुरान की कसम है जाकर वो बंदा जिन इमाम हुसैन बादशाह आप मुहल्ला है, इन्हें जाकर नहीं बन दे जाकर ही बंदे का बच्चा बन कर आए बड़ी छाए है, एक सलवार पढ़ो बुलंद जी मैं फरमाई तारी पूरी कर सकता वो सुन वाह वाह निकाह एनात में नजर भवा के वेख लाए यासीन कादरी आवनाई आज मेरे नाल ही उन्हें मुलाकात का प्रोग्राम बन रहा है, कईयों की मजबूरी बनी है तो नहीं आया, झूठ नहीं बोलेंदा, मैं जो भाइयों दस है वो जरूर आवड़ाई उस मेरे को टाइम लग गया मेरे मेहनत दियो तो मैं उदे वेना कई उदी मजबूरी बन गई, वो जड़ा जड़ा भी हुसैनी है असाड़ा वो भिरा है, हुण तां मज़हबी दो बच गए या हुसैनी मुसलमान ते या यज़ीदी है जिदे दिल लादने लगा वने जड़े हुसैनी है ओ साडे भरा है, सुभान अल्लाह, शिया सुन्नी है कुछ हुसैन मौला नाल प्यार करें दे करबला तो बाद भी ये दो बच्चे हैं ते जदन दा किराची यज़ीद जिंदाबाद आख्या ने सुनिया सारे छोड़ नहीं दिता उन्हें आख्या सब समझा मुसलमान है तुझे यज़ीद ही निकलियो पर हम मरो असा हुसैन दे नाल है जिंदाबाद सलवात पढ़ो सरकार दी जा शाह साहब साडे शहर च सुनिया छड़िया लाभ नहीं लाए आजादारी भी करन आउंदे सादरी खैर प्यारे जिन्हां नूं कुछ थोड़ा जिहा शऊर दित्ता है अल्लाह वो पांच बारह चौदह नूं नहीं छुड़ेंदे खुदा दी कहना ना
नाने दे रोजे दे आका हुसैन अलैहि सलाम नमाज पढ़वाइए सारे हाशमिया जवाना ने मौला दे पीछे नमाज पढ़िए जो वली दा कासिद आए हुसैन तुहानू मदीने दे गवर्नर दरबार छड़े ते राती तुसा आउणे ते आउणे कल्ला अरब दे विच रिवाज ए है के हर कोई दुश्मनी आई रात नू दरबार नहीं लगदे सैदा वास्ते सारे कानून बदल गए मौला फरमाए इमाम मैनू जान दिया क्यों छड़े दे पे वजह क्या है सरकार ने फरमाया टुर जा मैं आवेसा सरकार मस्जिद चुनाल दरवाजा ही घर दाखिल यो एक दरवाजा खुला ही मस्जिद दे अंदर सैदा ना बाकी अल्लाह बंद करवाया नबी नु आके ना फरमाया सारे दे सहाबिया दे दरवाजे जेड़े मस्जिद दे खुल दें ये बंद करा दियो ये कहीं ले कहीं हालत च होंगे कहीं ले कहीं हालत च होंगे सिर्फ एक घराना है अली दा ये जिस रंग में छोवे ये आ सकते हैं जो रही सिंह दे नेड़े नहीं आ सकता घर दाखिल हुए अपने महल आका हुसैन इस्लाम गए उस महल दे विच मौला दे घर आका मोहम्मद मुस्तफा दी पोशाक पई गई कमर बंद नारायण अबा कबा पग आसा जो अपने महल तो तैयार होके बाहर निकले ना तो वत मोहम्मद ही लग रहे हैं वेड़े दे सेंटर चाके ना इमाम ने सजे ही दिखा है खपे ही दिखे पता नहीं वो कैसा मंजर है ये मंजर दिखा जनाबे फिजा जय झोली च पाले है हबश दी मलका आलिया सैन भिरा दी भईवाल भेड़ को लैन पर मैं आलिया मैनू लगता है वो मौसम आ गए वो जदा तू सब भेड़ भिरा जमीन ते लीके मरे दे ते आदे है ये शाम है ए बाजारे ए करबलाए ए हुसैने ए तिले जैनबिया ए फुरात दरिया आज जड़ा आज मैं चेहरा दिखा ना हुसैन दा मैं मालूम होता है तुम्हारे मौसम बदल गए ना लेन नहीं संभले सैन चादर जड़ी सारते आई ना सारते भी है लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जल्दी दी वजह तू जेनु जमीन बोसे दे दी आंदी आई मेरी सैन दिखे मेरा डेढ़ी दे मोड़ को गेट दे करीब अगु जड़ी चार दीवारी होती वो दे कोल पहुंचे बेबी साथ मारे हुसैन रुक जा मैं भाई वाला कल यहाँ कोई फैसला न करे से भेड़ ने आग भिरा दे दामन झट पे फिर मैं किन तैयार है फिर मैं अम्मा दी जाई मेरे जरूरी काम में भिरा दे पास देख कर दी छुपा रहे छुपा नहीं राती अम्मा बतूल सब कुछ मैंने दस गई तू दुश्मन दे दरबार च वजना चाहना है ते मैं कल्ला वन्या नहीं देवना एक करबला नहीं ए मदीने भिरा हुसैन बादशाह दे दामन च हथे घर लाली दा देदी खड़ीए जो जाए अब्बास दी नजर पईए सरकार अब्बास नु लछे किदा भिरा वेंदे भेड़ वन्या नहीं देदी भिरा दा दामन नप के तेरा घर देदी खलोतीए ए जे जलाल सरकार अब्बास को ठेन फजल मौला पियो दे सीने तो झड़ गए इनु अब्बास वाला डोलन उनु मदीने दी जमीन हलीए सारे हाशमी जवान घबरा गए शाला खैर होए उस्ताद जलाल च क्यों आ गए आगे भी सरकार अब्बास जलाल चवना जमीन हल दी है मौला अली दी जुरत दवारे से सारे पहुंचे लेकिन सब तो पहले सरकार अब्बास पहुंचे ते भेड़ ने आधा रिचा भिरानू भिरादा दामन छोड़ कह दी बस होड़ लगा हुआ मेरा माल आगे मेरे पर्दे अंदाजा में आगे आज सरकार अब्बास ने भेड़ भिरा दे कदम ते हाथ रखे फिर मैं मैंने जी दिया क्यों रो पयो आका हुसैन ने सलाम चोपिन आली हुसैन बोले फिर मैं अब्बास देख ना राती दरबार नहीं लग रहे ते वलीद ने हुसैन नु राती सजे ते कल्ला सजे इन हुसैन मौलद हाथ नपके सरकार अब्बास ने हाथ रख के फरमाए मैं तेनु जामिन बना के तुरे नहीं
ਜਿਵੇਂ ਦੇਦੀ ਪਈਆਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖਿੰਸਾ ਅੱਬਾਸ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਥਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਖੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਅਕਸਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਰਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਜਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਤੂੰ ਅੱਬਾਸ ਤੂੰ ਜ਼ਾਮਿਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਮਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਜਨਾਬ ਹਨਫੀਆ ਨਾਲ जनाबे मुस्लिम बिन नकीर जनाबे सैयद साजिदीन अली अकबर अमीर कासिम 18 जवान नाल जनाबे अब्दुल्ला बिन नाल सारे जलाल च इस कमीने साजे बादशाह नु राती सजया के होए इमाम ने सारे नु सबर दो नीते ए उठे गेट दरबार दा आज कदम अजे दूर है इमाम ने फरमाया मेरे भाई मेरे रिश्तेदार पुत्र भरा भतीजे हक में मेरा सारे इत्थे रुक जाओ उन्ना मैं कल्ले नु सजे मैं वादा ही कर चुका मैं दरबार च कला सा तू सा इत्थे रुक वणो मैनु वादा नहीं भवन दे सारे रुक गए आठ कदम दे फासले ते इमाम ने चार कदम की हो जाए लेकिन पैरा दी आहट पिछू महसूस हुई मुड़ के दिखे ते सरकार अब्बास फरमाया गाजी जी बादशाह तै मेरा हुक्म नहीं सुने जी बादशाह सुने रुका क्यों नहीं जी तुसा फिरावा नु रोके नौकरन ते नहीं रोकया मैं भिरा ते नहीं मैं ते तुहाडा खादिम ते नौकर ढा निकली मेरे इमाम दी पेशानी चमके फरमाने कह तेनू आख्या तू नौकर है तू वीर है मेरे बाबे अली दी तस्वीर है क्या बात है क्या बात है मैं तेरे मिजाज नु जानदा मिजाज नु जानदा मैं उसे रंगत पढ़ना चाहता कोई बंदा उंगली खड़ी ना कर सके शाह ए लफ्ज गलत पढ़े नहीं पढ़ता गलत मैं सही पढ़ रहा हूं हां देखे ओ फरमाने तू मेरा वीर है तू मेरे बाबे दी तस्वीर है तेनु रुकना पौसी अब्बास ने कलाम दा पहलू बदले फरमाया जी मैं जामिन हां जड़ी अंदर ते खड़ी है उन मेनु जामिन बना के तोरे मैं तेनु कल्ला किवें वंजा देवा पेशानी चुप ते फरमाया जामिन सुन हक में मेरा रुक जा लेकिन आज मैं जामिन दे हाथ आजाद करेगा मैं वन्ने अंदर वन्ने दे अगर मैं समझा मेरे मिजाज के खिलाफ है मैं नारा तकबीर बुलंद करे सा ये दर कोई खैबर दे दर नाल वजनी तू भी मेरे बाबे अली दी पूरी जुर्रत मेरे सामने करे उते खैबर च एक बाबा आई इथे मेरे नाल 18 अली है उते एक अली आई नाने दे नाल मेरे नाल 18 अली है ये दरवाजा उखाड़ के अंदर आ जाए कदम कदम पे सरकार अब्बास फरमाते हैं ये मेरे हाथ आजाद हैं तब बिस्मिल्लाह होड़ बन ये अगले चार कदम इमाम चाहे मैं ओ मंजर कशी करे लगा जड़ी तेनू किसे वक्त ही न पुछी चार कदम तो बाद दरवाजा इतोड सरकार अब्बास रोक है देख रहे कहीं कहीं हथ नहीं बेदे उसे आजाद है ये मेरा आज दिल लगा कि मैं ये लफ्ज पढ़ा ये दिल हो से मेरे हाथ आज आजाद है ये हाथ होवे कोई जरूरत है जो मेरे मौला के नजदीक कोई दुश्मन आ रहे किसे दी औकात है मेरे अब्बास के हाथ नाल चौथे कदम ते गेट आई दरबान को नीला आइए मौला अंदर कदम रखा सजा पता नहीं क्यों मौला एक बारी बिरान देखना चाहते हैं मुड़ के सरकार अब्बास नु दिठे ए ओ वेला आई जदो अली अकबर ने अपना खबा मोंडा चाचे अब्बास के सजे मोंडे नाल रलाए इमाम ने बिरान नु दिठे पुत्र नु दिठे पता नहीं कितना महसूस किया इन मैं नहीं जान सकता ठंडा सा निकल गया सी
शायद इया गल आखियो सी तुहाडियां जुरतां तां जानदा पर दीन जो जुरत नाल नहीं मजलूमियत नाल बचदा है। हाय 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 जोर नाल नहीं मजलूमियत नाल अंदर कदम रखिया। अगला लफ्ज सुनने तवज्जो नाल एक एक लफ्ज जिम्मेदारी नाल मौला अंदर दाखिल होए दरबार ने जेड़ा भी है उस अंदरों कुंडी लाई कुंडी दी आवाज ये चौं कदमा ते चाचा दे नाल खड़े अली अकबर सुनी ए इन दे कहदा है चाचा क्या पे होंदे बाबा कल्ला दुश्मन दी नियत ठीक नहीं इन्ना कुंडी क्यों लाई है दाढ़ी जम क्या दे गाजी शहंशाह फरमाया आज ना घबरा आज चाचा आजाद है आज हुक्म दे गए बिस्मिल्लाह करो आज परेशान ना हो आज तकबीर थे नजर रखो अगर साई ने मिजाज दी खिलाफ गल हो सी और नारे तकबीर बुलंद करे से ये दरवाजा उखाड़न दा आज मैं हुक्म दे गए परेशान नहीं होना आज चाचा अब्बास तुहाडे नाल है अल्लाह हू अकबर ये हुण सारे आहिस्ता आहिस्ता दर दे कोल आ गए सारे सिंह इत्थे आ गए अंदर मौला गए वलीद कुर्सी दित्ती क्यों सजे अज जी रो अर्ज करना ही यजीद दा पियो मर गए सही फरमाया सानू तुहाडे नाल पहले पता है ओ जी तख्त यजीद पै गए फरमाया जान दे मेरा जवाब है मैं कुछ सकदा पुत्र कुर्बान कर सकदा बेड़ा कैद करा सकदा लेकिन बैयत नहीं कर सकदा मैं बैयत करा तो सारी बैयत होती तैनू पता नहीं ये हाथ क्या है मेरा तो ही ये जवाब मैं कल्ला नहीं मिशाने बड़ा बड़ा मेरे भईवाल हैं घर मैं उन्होंने करना है मशवरा नाले रात की गल नहीं चंगी होती मैं सारा जवाब कल तेन चिट्ठे दीन दे सा ये आदे हा हुसैन मशवरा तुहाडा हक बन दे बिस्मिल्ला तुसे जा सकदे चार कदम इमाम चाहे कंध पिछू मेहरबान बैठा है अल्लाह दी लानत होवे इस वलीद दुआ क्या भूलदा पे आज पहला दिन तक कल्ला ही अगे ते कल्ला कदी नहीं तुरिया अब्बास ही दे नाल होंदा ही कल्ला ही हुसैन सर कलम कर ले उस इशारे नाल ए गल कीती है यानी हुसैन कल्ला ही सर कलम कर इमाम सारी कायनात दा जैदा ले इमाम अगे भी देख सकदा इमाम जनबी जिवें अगे दे दे पिछे इने दे दे इमाम ने पिछली गल सुनी है जो कतल दा इशारा कर रहे वापस मुड़ के कुर्सी पई है लोहे दी ओदे दोवे हाथ रखे व दुश्मन दी अख च अख पाईए सैयद गल कीती सुननी है फिरा नाल डल रहा है तोनु फिरा दा वजन दसना चाहना कितना मान होंदा फिरा नु फिरा ते मौला हुसैन ले सलाम नु अब्बास ते कितने नाज़ैन इस वैन दे विच तुहानू पता लग वे सी दुश्मन दी अख च अख पई है सैयदा दे मजे कतल दी साजिश ओ कर जाहे मैं कुल समझू के तू तन्हा है तैकू खबर नहीं दरबार दे बहरू मैं नाल अब्बास अब्बास फिर अमर करा मैं गाली को तै कुडे वे सक सजा है पर ई गालो मजबूर हमे हौसला एक हाथ नाल जनाबे मुस्लिम एक हाथ नाल जनाबे हनफी
सीने दे नाल अब्बास रुके फरमाया रुक जाओ मैं गरीब मैं मुसाफिर लड़ना नहीं मकरोदा।